ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बार सर्दियों में अच्छी बारिश और बर्फबारी के कारण गुठलीदार फलों में अच्छी फसल थी। भूमि में भी पर्याप्त नमी होने के कारण फलों का आकार भी आशा अनुरूप बड़ा था। इससे बागवानों को ये उम्मीद थी कि मंडी में फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन सतलुज घाटी में तेज आंधी ने पकने को तैयार पलम को झाड़ दिया है। बागवानों का कहना है कि इस तूफान से पलम के पेड़ों में तो नुकसान हुआ है, वहीं उनकी टहनियां भी टूट गई हैं। प्रदेश में इस बार सर्दियों में अच्छी बारिश और बर्फबारी के कारण गुठलीदार फलों में अच्छी फसल थी। भूमि में पर्याप्त नमी होने के कारण फलों का आकार भी आशा अनुरूप बड़ा था। इससे बागवानों को उम्मीद थी कि मंडी में फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन सतलुज घाटी क्षेत्र में तेज आंधी ने पकने को तैयार पलम को झाड़ दिया है। बागवानों का कहना है कि इस तूफान से पलम के पेड़ों में जो बड़े बड़े दाने थे वो झड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि तूफान के कारण पलम पेड़ों की टहनियां भी टूट गई हैं। इससे बागवानों को अधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि टहनियां टूटने से दोबारा पौधे तैयार होने में समय लग जाता है। पलम बागवानों ने बताया कि सतलुज तट क्षेत्र में, जहां शिमला जिला में सबसे अधिक पलम तैयार होता है, वहां तूफान ने तबाही मचाई है। रामपुर उपमंडल के दत्तनगर, नीरशु, नीरथ, नोगली, तलाई, राजपुरा आदि क्षेत्रों को काफी नुकसान हुआ है। साथ साथ थोड़ा जो तूफान आया उसमें थोड़ा माल जो है, जो अच्छा माल था, वो ड्रॉप हो गया है। पेड़ भी टूट गए हैं सर, और इसके साथ साथ बाकी अच्छा चल रहा है सब जी। सतलुज बेसन रामपुर तहसील में जो दत्तनगर पंचायत है, नीरर पंचायत है, यहाँ भारी तूफान आने के कारण जो यहाँ का किसान फलम की फसल पैदा करता है उसको भारी नुकसान हुआ है। 20-25% का नुकसान हुआ है। जो फलदार टहनियां थी वो भी टूट गई है। हम सरकार से अपील करते हैं कि जो इन किसानों को जो फल का नुकसान हुआ, प्लम के फल का नुकसान जो हुआ है, इसका आकलन करके इनको आर्थिक मदद में मुआवजा भुगतान करें, ये हमारी सरकार से अपील है। पलम बागवान मोहन सिंह ने बताया कि 200 पौधों में से 50 पौधों की टहनियां टूट गई हैं। उनके बगीचे में करीब 500 पेटी का, यानी कि करीब 75,000 का नुकसान तूफान के बाद हुआ है। इसके अलावा जो पौधों की टहनियां टूट गई हैं वो अलग हैं। टहनियों को फिर से बड़े होने में 10 साल लगेंगे। उन्होंने बताया कि नुकसान को देखते हुए सरकार की तरफ से कोई ना कोई राहत होनी चाहिए। दूसरा क्षेत्र में कोई ऐसी फैक्ट्री भी स्थापित नहीं है जिससे जैम या जूस तैयार किया जा सके। कम से कम मेरे इस बगीचे में लगभग 200 प्लांट है। इसमें 200 में से लगभग 50 प्लांट टूटे हैं। इनकी आपने हालत देखी होगी, अभी ये इस तरह की हालत खराब हो रखी है इनकी। एक पेड़ से दो दो तीन तीन टहनियां टूट रखी है, तो झड़ भी गए होंगे काफी। हाँ, बहुत ज्यादा। कम से कम इस बगीचे में 500 पेटी झड़ी होगी। कम से कम 500 पेटी का मतलब है, आप एवरेज लगाइए, 150 रुपए नंगा ले रहे हैं, तो लगभग 75,000 रुपए का लॉस हुआ है खाली तूफान से। पेड़ों की टहनी अलग है, जो कि अब इतनी टहनी तैयार करने में 10 साल लग जाएंगे।